कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम ही इम्पॉर्टेंस से शुरू होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या आएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये हमारा आज का टॉपिक है। उसमें जो पहला टॉपिक है, दैट इज आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, ये पहला टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। आवर बॉडी विद इन वर्क्स विद इन द पीएच ऑफ 7 to 7.8। अपनी बॉडी जो है वो पीएच 7 से लेकर 7.8 के रेंज में काम करता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7.0 to 7.8, इस रेंज में अपना बॉडी जो है वो वर्क करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच। अब अगर इस पीएच के आगे पीछे हुआ अपने बॉडी के अंदर, तो फिर अपने बॉडी में बायोलॉजिकल इंबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इट विल स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ रेन वॉटर इज लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड टू बी एस एसिड रेन। अगर जो भी रेन वॉटर आ रहा है उसका पीएच 5.6 से कम हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। व्हेन द पीएच ऑफ व्हेन द पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। अब नॉर्मली ये चीज कब पॉसिबल है? जैसे कि एटमोस्फियर में SO2, SO3 या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का कंटेंट बढ़ गया, तो रेन वाटर जो आ रहा है वो रेन वाटर इसी SO2, SO3 के साथ कंबाइन होकर एसिड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और यही वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन। मतलब कि ये 5.6 से कम पीएच हो जाएगा। अब ये जो वाटर है ये एनवायरमेंट पे और जितने भी लिविंग स्पीशीज है उनके लिए ये नेगेटिव यानी कि टॉक्सिक कॉज करेगा, ये उनको हार्म करेगा। ठीक है, तो ये एसिड रेन की बात थी। देन नेक्स्ट है, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। अब यही रेन जो होता है ये एसिड रेन, वही पानी जब भी रिवर में एंटर होता है तो वो रिवर के पानी को क्या करता है? तो उसको एसिडिक बनाता है और उसी की वजह से उस रिवर में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर सकते हैं और भी उनमें कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट। नाउ दिस रेन वाटर एंटर्स टू रिवर एंड मिक्स द रिवर वाटर एसिडिक। क्या बना देता है वो? एसिडिक। दिस मेक्स
द लाइफ ऑफ दिस मेक्स द लाइफ ऑफ एक्वेटिक क्रीचर डिफिकल्ट. क्या करेगा ये उनकी लाइफ को डिफिकल्ट कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड. सेकेंड चीज व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन बैकयार्ड. हम लोग एक एक पॉइंट के एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे. ठीक है. प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्थी ग्रोथ. अब प्लांट्स जो रहते हैं वो जब जमीन से ग्रो होते हैं तो उस जमीन की मिट्टी का एक प्रॉपर पीएच का रेंज चाहिए तो ही वो ग्रो कर पाएंगे. ठीक है. प्लांट्स रिक्वायर अ प्रॉपर रेंज plants require a proper range of pH for their healthy growth. उनके healthy growth के लिए. ठीक है. clear है. चलिए आगे देखते हैं. अब अगर एक certain level basically उसका pH range जो होता है textbook में mention नहीं किया. द सूटेबल पीएच रेंज फॉर सॉइल इज 6.5 to 7.3. बराबर है. अब अगर 6.5 से उसका पीएच कम हो गया तो हमें कुछ बेसिक कंपाउंड्स डालने पड़ते हैं. यानी कि फार्मर्स को कुछ बेसिक कंपाउंड्स डालने पड़ते हैं ताकि उसका पीएच वापस न्यूट्रलाइज हो जाए. ठीक है. इफ द पीएच ऑफ वाटर ऑफ सॉइल बिकम्स लेस देन 6.5 देन फार्मर्स रिक्वायर टू एड सम बेसिक कंपाउंड टू न्यूट्रलाइज इट. ठीक है. और अगर मान लो कि भाई वो सॉइल का पीएच जो है वो 7.3 से बढ़ गया तो फिर फार्मर्स कोई एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए. इफ द पीएच ऑफ सॉइल becomes more than 7.3 then farmers require to add some acid to neutralize it. okay. ये बहुत ही जरूरी है. अब उनके लिए कंपाउंड्स भी अलग अलग होते हैं. लाइक स्लैक लैम वगैरह डालते हैं. बेसिकली फार्मर्स क्या करते हैं उनकी जमीन की मिट्टी यानी कि वो जो जमीन पे क्रॉपिंग करने वाले होते हैं तो वो उसके डिटेल्स को चेक करवाते हैं. यानी कि ऐसी सॉइल टेस्ट की लैब्स होती है वहां पर सॉइल टेस्ट करवाते हैं जिसमें ये पता चलता है कि वहां का पीएच क्या है कौन से न्यूट्रिएंट्स है कौन से आयंस का कंटेंट हाई लो है और उसके मुताबिक वो लोग वहां पर फर्टिलाइजर्स डालेंगे और उसी के मुताबिक वहां पर वो क्रॉप्स का ग्रोथ करवाएंगे. ठीक है. तो ये सेकेंड पॉइंट था. इसके बाद है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम
ध्यान देना, नंबर थ्री पॉइंट है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके ओके, तो बेसिकली अपने स्टमक के पीएच की बात है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपना जो स्टमक है वो HCl को प्रोड्यूस करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, अवर स्टमक प्रोड्यूस, अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, और ये क्यों करता है? तो वो स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि डाइजेशन भी फास्ट हो और अंदर मौजूद होने वाले बैक्टीरिया मर भी जाए। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग स्टमक। ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट बीइंग, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट बीइंग विदाउट मेकिंग डैमेज टू स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। अगर अपने स्टमक का में एसिड का कंटेंट बढ़ गया तो इंडाइजेशन करेगा। इफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन हाई अमाउंट इट causes इंडाइजेशन, जिसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एसिडिटी। ठीक है ना, जिसमें देखो दिस causes इरिटेशन आएगा, दिस causes इरिटेशन। स्टमक के अंदर जो जलन होती है वो एसिडिटी की वजह से होता है, बराबर के नहीं? अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि अगर इंडाइजेशन हुआ है, तो वो स्टमक के अंदर एसिड का कंटेंट बढ़ा देगा। ठीक है, दिस, अब इसको ठीक करने के लिए वी यूज एंटासिड्स। और एंटासिड्स के एग्जांपल क्या है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटासिड्स यूज करते हैं। और उनके एग्जांपल क्या है, एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज MgOH ट्वाइस। दूसरा है दैट इज डाइजीन। जेलुसिल एक्सेट्रा इस प्रकार की दवाइयों को लिया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, इनडाइजेशन को ठीक करता है। ठीक है, और ये कैसे रहते हैं, ये कंपाउंड माइल्डली बेसिक होते हैं, यानी कि स्टमक के अंदर भी पीएच का मेंटेन होना जरूरी होता है। बेसिकली टेक्स्ट बुक में यहां पर मेंशन नहीं किया कि जब स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है तो वो डाइजेशन में तो काम करता ही करता है, पर वो अंदर मौजूद होने वाले बैक्टीरियास, फूड के साथ जो बैक्टीरियास आते हैं उनको भी वो मार डालता है। बच्चों समझ गए, क्लियर हुआ? तो यहां पर ये तीन उसके पार्ट कंप्लीट हुए, अभी दो लास्ट पार्ट बाकी है जो हम अभी ही कंप्लीट करेंगे, पर मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अब इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन बाद में करना, पर अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट
और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए थोड़ा सा मैं और, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, इसको रीड करो, तब तक मैं थोड़ा इसको डेकोरेटिव बना दूं। साइंस की दुनिया कलरफुल होती है, तो फिर हमारा बोर्ड वर्क क्यों नहीं? सही है कि नहीं? कम ऑन, आप लोग रीड कर लो। मैं 1 मिनट के लिए इस टॉपिक पे छोड़ता हूं, फिर हम इसके बाद के जो दो टॉपिक रहे वो करेंगे, ठीक है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में। इसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा, दैट वुड बी डेफिनेटली आस्क्ड टू यू। ओके, ओके, आगे जाते हैं। चलिए तो आगे के लास्ट दो टॉपिक इसके जो बाकी है उनको भी कंप्लीट करते हैं। अब मैं रब कर रहा हूं, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, बराबर। चलिए ठीक है, गेट रेडी। लास्ट दो जो बाकी है टॉपिक उस पे आते हैं, ठीक है? पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है? अब ये आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि अपने जो टीथ्स रहते हैं उनका डीके कैसे होता है, क्यों होता है, तो आज आपको उसके बारे में क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। यू विल बी वेरी वेल नोइंग अबाउट दिस टॉपिक। चलिए मैं लिखता हूं, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5। जब माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है तो अपने टीथ का डिके शुरू हो जाता है, ठीक है? व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5, देन टूथ डिके स्टार्ट्स, ठीक है? तब क्या होता है, टीथ्स का डीके शुरू हो जाता है। टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइपो हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इट डिजोल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लेस देन 5.5। अपने दांत के ऊपर एक कोटिंग रहता है, उसको कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। टूथ हैव एन एनामल कोटिंग ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विच इज पूरे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी गेट। ये क्या होता है, इट गेट्स कोरोडेड, गेट्स कोरोडेड व्हेन पीएच ऑफ माउथ बिकम्स लेस देन 5.5। जब अपने माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है तो वो कोरोड हो जाता है, ठीक है?
जब अपने शुगर वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, डिग्रेड होता है एंड फूड पार्टिकल अपने दांत में चिपक जाता है, वो भी क्या करवाता है, पीएच को घटाता है। यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को हम कैसा लेते हैं, बेसिक रहता है, उसमें खास करके कैल्शियम का कंपाउंड रहता है, ठीक है, वो क्या करता है अपने दांत का जो एक्सेस एसिडिक लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। यूजिंग टूथपेस्ट इट न्यूट्रलाइजेस द टीथ, ये क्या करेगा, टीथ को न्यूट्रलाइज करेगा ताकि जो डीके है वो स्टॉप हो जाए। नॉर्मली हमें ब्रशिंग कब करना चाहिए, सुबह नहीं, हर बार खाना खाने के तुरंत बाद करना चाहिए, पर अपने यहां पर एक सिस्टम बना है कि हमें सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए। नॉर्मली आप सोचिए, लॉजिक लगाइए कि आपने शाम को 8 बजे खाना खाया और फिर आप सो गए 10, 11, 12 बजे। रात को कुछ लोग खाना खाने से पहले थम्स अप भी पीते हैं, सॉरी, सोने से पहले कुछ नाश्ता भी करते हैं, थम्स अप भी पीते हैं। अब आपने नॉर्मली पानी वगैरह पी लिया बट आपने ब्रशिंग नहीं किया तो क्या होगा, पूरी रात के अंदर आप समझिए 8 बजे आपने खाना खाया था और सुबह आप 6 बजे या 7 बजे उठे और फिर आपने ब्रश किया, यानी कि 11 घंटे गुजर गए। तो इन 11 आवर्स के अंदर ऑब्वियस है कि भाई अपने स्टमक के अंदर जो भी, मतलब कि टीथ के ऊपर की बात है, अपन ने खाना खाया तो जो भी टीथ के बीचों में या टीथ के ऊपर खाना चिपका होगा, हमें लगता नहीं है पर वो होता है, वो चिपका रहता है, उसका डीकेइंग भी हो चुका होगा। डीकेइंग शुरू तो अलग बात है पर वो डीके हो चुका होगा और वही हमारे दांत को क्या करता है, एसिडिक क्रिएट करवाता है। और यही बैक्टीरियाज वगैरह जो अपने टीथ के ऊपर डेवलप होते हैं वो कुछ प्रकार के केमिकल्स को एक्सक्रीट करता है अपने दांत के ऊपर, जिसकी वजह से अपने टीथ का कोरोजन और फास्ट होता है बच्चों। यस बच्चों, यानी कि उसका डीकेइंग और फास्ट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए आपको खाना खाने के बाद एक बार अच्छी तरह से गार्गलिंग करना चाहिए, ब्रश तो करना ही चाहिए। ओके, तो ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, द फिफ्थ पॉइंट, ध्यान देना, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। पांचवा एंड आखिरी पॉइंट, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स ओके एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। लाइक कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एसिड्स को इंजेक्ट करते हैं सामने वाले के ऊपर, लाइक हनी बी। फिर और भी हमारे पास है रेड एंट, जो इस तरह से अगर कोई भी चीज उसके ऊपर अटैक करता है तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, एसिड को अटैक करवाएगा, क्या करेगा, एसिड को इंजेक्ट करेगा, लाइक हनी बी एंड नेटल। हनी बी जो मेलिटिन नाम के केमिकल को इंजेक्ट करता है, रेड एंट एंड नेटल, ठीक है। अब इन ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट करते हैं ताकि अपने उनको मारे नहीं, वो अपने को नहीं और जो भी उन पर अटैक करेगा उस पर वो काटते हैं। उनको जहां पर भी ऐसा लगेगा कि भाई यहां पर डेंजरस है उसको काटेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। अब इससे ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि कभी आपको किसी लाल चींटी ने काट दिया या फिर हनी बी ने डंक मारा, तो आपको बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा से लगा देना चाहिए। तो आपको अगर मान लो इस पार्ट में काटा है उसने, तो आपको इतने पार्ट में इरिटेशन होगा क्योंकि उसने आपके बॉडी के अंदर एसिड को इंजेक्ट कर दिया।
अब आपके बॉडी के अंदर अगर एसिड को इंजेक्ट किया है तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका उल्टा अंदर ऐड करोगे, लाइक आप बेस डालोगे, बेस डालना है कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पांच टॉपिक्स जो थे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के, वो यहां पर कंप्लीट होते हैं। मैंने उसकी नोट्स भी लिखवाई है एंड मुझे ये पक्का पता है कि आपको मेरे इस लेक्चर्स में मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू अस। ओके, बाय एवरीवन, बाय।